यूपी के प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां कोराव के बेरीमांडा में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान ने किया वृक्षरोपण। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज कोराव से संवाददाता प्रवीण सिंह की खास रिपोर्ट। क्या खास है आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए, पेड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षित रहे, क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। जल जंगल जब तक नहीं रहेगा तब तक जीवन संभव नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में हम वृक्षारोपण करें, जिससे हमको स्वच्छ वायु मिल सके, स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके और इससे आर्थिक लाभ भी होगा। कई प्रकार के उद्देश्य हैं जिसे जनहित और आम हित व्यक्तिगत हित भी है। कितने साल से आप लगा रहे हैं पेड़? हम 2013 से, हमको नियर अबाउट लगभग 7 वर्ष हो गए पेड़ लगाते हुए। हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रतिवर्ष कम से कम 200 पेड़ लगाएं, इससे ज़्यादा जो संभव हो सके और अच्छी बात है। हम प्रयास करते हैं कम से कम 200 पेड़ प्रतिवर्ष लगाएं। कौन कौन से पेड़ लगाए हैं आप अभी तक? हम शुरुआती दौर में जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं सागौन के, तो हम तो अभी तक लगभग 500 सागौन लगा चुके हैं, 700 के करीब महोगनी के पेड़ लगा चुके हैं, लगभग 50 पेड़ आम के हैं, कुछ शीशम के हैं और कुछ 500 से ज़्यादा यूकेलिप्टस के जो है हाइब्रिड टाइप के पेड़ लगा चुके हैं। अभी कितने आपका लगाने का लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य तो है कम से कम हम पूरे जीवन में 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाएं। समझ रहे हैं ना, पूरे जीवन में लगभग 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगले साल की हमारी व्यवस्था है कम से कम हम 500 चंदन के पेड़, सफ़ेद चंदन के पेड़ भी लगाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है इसका? हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वृक्ष रहेंगे तो हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा, हमको शुद्ध वायु मिलेगी, जिससे बिना शुद्ध वायु के जीवन संभव नहीं है, तो प्राकृतिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी और हम ये खेती के रूप में कर रहे हैं तो आने वाले समय हमको जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। व्यापार की खेती की दृष्टि से भी कर रहे हैं वृक्षारोपण। अच्छा, पेड़ जितने हैं आपको कुछ सरकारी मिले हैं कि केवल आप अपने लगाए हैं? नहीं, सरकारी पेड़ नहीं मिले हैं। देखिए, हम गांव के प्रधान भी हैं और ग्राम पंचायत में जो पेड़ लगे हैं, चाहे तालाबों के भीटे पर हो, चाहे गांव की सरकारी जमीन चारागाह या जैसे विद्यालय के फील्ड में हो, वहाँ जितने पेड़ लगे हैं वो सरकारी लगे हैं और ये अपने जो निजी खेत में लगाए हमारी निजी व्यवस्था है, अपनी निजी व्यवस्था के तहत पेड़ लगाए। आपका क्या नाम है? हम आनंद प्रकाश शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ल, जन सेवक, ग्राम प्रधान बेरी मंडाला प्रयागराज। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।